नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, क्या कोई कॉन्टेस्ट बचा है? इलेक्टोरल बैटल में मोदी दो बार राहुल को हरा चुके हैं, 14 और 19। इन दो चुनावों में कांग्रेस 10% सीट भी नहीं जीत पाई। क्या 24 में कोई मिरेकल हो जाएगा? 24 के चुनाव में गिनकर 200 दिन भी नहीं बचे। सारे सर्वे एक ही तरह से इशारा कर रहे हैं, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक सर्वे ऐसा भी आया जिसका एक आंकड़ा देखकर राहुल गांधी के गठबंधन का जोश आई है। क्या 2% का स्विंग 24 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकता है, या फिर तीसरी बार मोदी ही आएंगे? महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल जैसे स्विंग स्टेट पर इंडिया अलायंस ने सबसे बड़ा दांव लगा दिया। क्या इन राज्यों से राहुल गांधी को पीएम बनाने की कोई हवा बनेगी, या मोदी लहर इन सब पर भारी पड़ेगी? 24 के बैटल ग्राउंड का क्या होगा, क्या हाल होगा इसका? 543 सीटों के 3 सर्वे के संपूर्ण विश्लेषण हम इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी के गठबंधन में और राहुल गांधी के गठबंधन में सिर्फ 2% वोट का फर्क बचा है? क्या एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच 24 की लड़ाई बहुत क्लोज हो गई है? क्या नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एकदम कांटे का मुकाबला हो गया है? अगर 24 की लड़ाई कांटे की है तो ये वोट में दिख रहा है या सीट में दिख रहा है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में वोटर के मन में क्या पक रहा है? नरेंद्र मोदी 24 के लिए एकदम कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? नरेंद्र मोदी के लिए कौन कौन से राज्य ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, किन किन राज्यों में मोदी के लिए ऑरेंज अलर्ट है और कहां कहां प्रधानमंत्री के लिए रेड अलर्ट दिख रहा है? मोदी का स्ट्राइक रेट कहां कहां 100% है, कहां कहां मोदी 50% से नीचे स्ट्राइक रेट पर है? नरेंद्र मोदी की सीटें कहां बहुत बढ़ रही हैं, कहां सीटें बहुत घट रही हैं? नरेंद्र मोदी कहां कहां जीत रहे हैं, मोदी कहां कहां हार रहे हैं? एक नहीं, दो नहीं, 2024 के लिए 3-3 सर्वे आ गए हैं। सर्वे नंबर 1 में मोदी 318 सीटों के साथ वापसी कर रहे हैं। सर्वे नंबर 2 के मुताबिक मोदी 311 सीट जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सर्वे नंबर 3 के मुताबिक नरेंद्र मोदी 306 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएंगे। एक सर्वे गलत हो सकता है, दो सर्वे गलत हो सकते हैं, लेकिन 3-3 सर्वे एक साथ गलत नहीं हो सकते। तीनों ही सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी अपने दम पर बहुमत पाने जा रही है, और तीनों ही सर्वे के मुताबिक एनडीए को 300+ सीटें मिलने जा रही हैं। जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था, आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। इंडिया, इंडिया इज ऑन द मून। अगर सारे सर्वे एक तरफ जाते हुए दिखें तो वो इलेक्शन 99% सही ही होता है,
लेकिन बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए 24 का इलेक्शन केक वॉक नहीं होने जा रहा। नरेंद्र मोदी के लिए कुछ अलार्मिंग बताते हैं। एनडीए और इंडिया के बीच वोट शेयर का गैप घट रहा है। सर्वे नंबर 3 यानी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अगर अभी लोकसभा चुनाव हो गए तो एनडीए को 43% और इंडिया अलायंस को 41% वोट मिल सकता है। अन्य पार्टियों के खाते में 16% वोट जा सकते हैं। 2% का वोट मार्जिन सीटों में कन्वर्ट करके देखने पर बहुत बड़ा अंतर दिखता है। सी वोटर के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो गए तो लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए को 306 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 193 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 44 सीटें जा सकती हैं। सीटों के मामले में मोदी कंफर्टेबल पोजीशन में दिखते हैं। बीजेपी को अकेले 287 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को अकेले 74 सीटें मिल सकती हैं और अन्य दलों को 182 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी और कांग्रेस की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की कोई तुलना ही नहीं है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को 4 गुना ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन दोनों अलायंस के बीच वोट शेयर में सिर्फ 2% का गैप मोदी की चिंता बढ़ाने वाला है। वोट शेयर में 1% का स्विंग एनडीए और इंडिया अलायंस को बराबरी पर ला सकता है और 2% का स्विंग इंडिया अलायंस को बढ़त दिला सकता है। क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी हार भी सकते हैं? क्या राहुल गांधी जीत भी सकते हैं? चलिए एक एक राज्य से समझते हैं। सबसे पहले उस राज्य की बात जिसे सबसे बड़ा स्विंग स्टेट कहा जा रहा है, महाराष्ट्र। इंडिया अलायंस की अगली बैठक यही होने वाली है। सभी भाजप विरोधी दलों की पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने जा रही है। उसकी पूरी तैयारी में महाविकास आघाड़ी तीनों पक्ष मिलकर सभी को साथ में लेकर तकरीबन 26-27 पार्टीज़ है और भी ज़्यादा पार्टीज़ उसमें आने की संभावना है। ये सभी लोग 31 को मुंबई में आने की उम्मीद है और 31 की शाम को एक इनफॉर्मल गैदरिंग होगी और 1 तारीख को वैसे उसकी औपचारिक मीटिंग 1 तारीख को होगी, जिसमें अगला एजेंडा, क्योंकि अभी तक 2 मीटिंग्स हो चुकी है, अब ये तीसरी मीटिंग मुंबई में होने जा रही है, उसका पूरा एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर सब प्रमुख नेतागण इन्होंने तकरीबन तय किया है। मैं समझता हूँ 31 को इसके बारे में अनौपचारिक चर्चा करके 1 तारीख को डिटेल मीटिंग में उसका विस्तार से इसकी बातचीत होगी। इस विषय लोकसभा की 48 सीटों वाले महाराष्ट्र के बारे में पहले तीनों सर्वे के नंबर बता देते हैं। इंडिया टीवी CNX सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 24 सीट और इंडिया अलायंस को 24 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ETG रिसर्च सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 28 से 32 सीट, इंडिया अलायंस को 15 से 19 सीट और अन्य को 1 से 2 सीट जाती हुई दिख रही है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए को 20 सीट और इंडिया अलायंस को 28 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में NCP चीफ शरद पवार के घर में और पवार के दिमाग में क्या पक रहा है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चाचा और भतीजे में पैचअप होगा या चाचा की पार्टी से भतीजे का पैकअप होगा, ये पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। अजीत पवार को लेकर शरद पवार मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। सर संभ्रम होता है की राष्ट्रवादी मध्ये फूट पडली, काहींनी काल असं जाहीर केलंय राष्ट्रवादी मध्ये फूट वगैरे काही नाही, दादा आमचेच नेते आहेत, काहीच नाही, त्याचे जे गाव जे आहे, फूट फोडणे असं असं काही, पक्षच फूट जे असते, जे पक्षाचं एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, जेच फसत आहे, आज तशी स्थिती नाही, काही लोकांनी समजा पक्ष सोडला, काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली, अजीत पवार के हाथ में अभी पावर है, लेकिन वोटर के मन में असल मराठा क्षत्रप शरद पवार ही हैं। ठीक उसी तरह जैसे शिवसेना के प्रति लॉयल वोटर उद्धव ठाकरे की पार्टी या कहें तो उद्धव सेना की तरफ झुक रहा है। तो शरद पवार कोल्हापुर में थे और जो पार्टी छोड़कर गए थे
उनके ऊपर जबरदस्त हमला भी किया है और कोल्हापुर की पवार साहब की सभा को बहुत बड़ा प्रतिसाद भी मिला है, हजारों लोग वहां जमा हुए थे। लड़ने के दो तरीके होते हैं, महाराष्ट्र की जो परंपरा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, शिवसेना सीधे मैदान में लड़ती है और दूसरा होता है गनेमी कावा गोरिला युद्ध। हम सीधे मैदान में आकर लड़ रहे हैं, हमारे साथ जिसने बेईमानी की, और पवार साहब ने एक दूसरा मार्ग स्वीकार किया है, वो है गोरिला युद्ध का, जिसे हम मराठी में महाराष्ट्र में गनेमी कावा बोलते शिवाजी महाराज का। लेकिन दोनों तरफ से जंग जारी है। महाराष्ट्र में एनडीए की युति में तीन पार्टियां हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी। इंडिया अलायंस के महाविकास अघाड़ी में भी तीन पार्टियां हैं, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। युति के लिए सबसे स्ट्रांग पार्टी बीजेपी है, जिसके पास अभी महाराष्ट्र की 23 लोकसभा सीटें हैं, मगर अघाड़ी की गाड़ी तीन पहियों पर टिकी है और तीनों ही दल एक दूसरे के लिए सहारा बने हुए हैं। बीजेपी ने अघाड़ी पर दो स्ट्राइक किए, उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया और शरद पवार से अजीत पवार को अलग कर दिया। बीजेपी के लिए यह राजनीति का मास्टर स्ट्रोक था या कोई बड़ी सियासी भूल, ये 2024 में तय होगा। दूसरा स्विंग स्टेट है बिहार। 2019 में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी, 2024 में क्या होगा? सर्वे नंबर 1 के मुताबिक बिहार की 40 सीटों पर चुनाव हुए तो एनडीए को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। पार्टी वाइज ब्रेकअप बताएं तो बीजेपी को 20 सीटें, चिराग पासवान की एलजीपी रामविलास को 2 सीटें, पशुपति पारस की आरएलजेपी को 1 सीट और जीताराम मांझी की हम पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार की 40 सीटों में से इंडिया अलायंस को 16 सीटें मिल सकती हैं। इनमें नीतीश की जेडीयू को 7 सीट, लालू की आरजेडी को 7 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 22 से 24 सीट और इंडिया अलायंस को 16 से 18 सीट मिल सकती हैं। बिहार के सर्वे नंबर 3 के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें और इंडिया अलायंस को 24 सीटें मिल सकती हैं। बिहार के तीन सर्वे तीन अलग अलग रिजल्ट दिखा रहे हैं। क्या बिहार के वोटर का मन बदल रहा है? क्या बिहार लास्ट मोमेंट पर डिसीजन लेगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।